हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज आरबीसी, व्हाट इज डब्ल्यूबीसी एंड व्हाट इज अ प्लेटलेट्स। यू मे आई होप यू विल बी रिमेम्बर इन ऑल कॉन्सेप्ट। तो आप पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। आज इस लेक्चर में अपन लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है और वेंस क्या होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इन योर बॉडी। आरबीसी का नंबर आपके बॉडी में कितना है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, चल लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या है? तो इट इज अ सिस्टम और ट्यूब। इट इज अ सिस्टम या ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू होल बॉडी कैरी द ब्लड ट्रांसपोर्ट। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स क्या है? एक तरह का ट्यूब है, कनेक्टेड है जो होल बॉडी से, जो क्या करती है, ब्लड ट्रांसपोर्ट को कैरी करने में हेल्प करती है। तो इसमें दो चीज पढ़े हैं हम लोग, आर्टरी पढ़ लिए हैं, वेंस पढ़ लिए हैं। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करेंगे कि आर्टरीज में क्या होती है और वेंस में क्या होती है, आर्टरीज में क्या होती है और वेंस में क्या होती है। तो देखिए, आर्टरी और वेंस में क्या डिफरेंट होता है और करता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। आर्टरी जो होता है कैरी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। क्या करता है? ऑक्सीजिनेटेड ब्लड। आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को, जबकि वेंस हमारा कैरी करता है डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड को। टू द पॉइंट अपन लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा आर्टरी कहाँ से शुरू होती है? तो आर्टरी आपका शुरू होती है ना, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। वेंस क्या करता है? होल बॉडी से हार्ट को पहुंचाएगा। कहां पहुंचाएगा? होल बॉडी से आपके बॉडी में पहुंचाएगा। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से आपको हार्ट में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो पॉइंट हो गया हमारा। इसमें आइए, इसमें वाल्व्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। किसमें होंगे? वाल्व्स, आर्टरी में वाल्व्स नहीं होते बल्कि वेंस में होते हैं। तो देखिए, वाल्व्स आर एब्सेंट। सर वाल्व्स क्या होता है, अभी समझते हैं। इसमें क्या होगा? वाल्व्स आर प्रेजेंट, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। देखिए वाल्व्स क्या होती है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होता है आर्टरी का, इस तरह का होता है। इसका जो ल्यूमेन होता है काफी थिन होता है, इसका ल्यूमेन जो होता है काफी ब्रॉड होता है, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम समझ रहे हैं वाल्व को, क्या पढ़ किसको समझना चाह रहे हैं, वाल्व को। तो आप आर्टरी में देख पा रहे हैं और ये वेंस देख पा रहे हैं। तो आर्टरी में क्या है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि वेंस में आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरह का नेटवर्किंग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर को बोलते हैं वाल्व। जैसे कि इसके बाद वाला लेक्चर में पढ़ेंगे कि ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होती है, बाइकस्पिड वाल्व किसको कहते हैं, है ना, मिट्रल वाल्व क्या होता है, तो हमारे हार्ट सिस्टम में आएगा। उसी प्रकार एक वाल्व कह सकते हैं बैरियर होता है जो मॉलिक्यूल को आने जाने में रोकने में उसकी स्पीड को, मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो आर्टरी में किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं होती है, जबकि हमारा वेंस में वाल्व प्रेजेंट होती है। ओके, अब आइए, ठीक है। आर्टरी जो होते हैं, ये आर्टरीज आर, लिख सकते हैं, आर्टरीज आर डीप सीटेड,
मतलब बॉडी के काफी अंदर सीटे रहते हैं, मतलब काफी अच्छे से ये मांस में जा करके डिपेट रहते हैं, डिपेट सीटे रहते हैं, जबकि वेंस वगैरह ऐसा नहीं है, है ना, ये कंपैरेटिव सुपरफिशियल होते हैं, ये आपको दिल जाते हैं, कंपैरेटिवली सुपरफिशियल नेचर के होते हैं, कौन वेंस, ओके ठीक है। आप लिखिए आर्टरी में, आर्टरी इनके जो ल्यूमेन होंगे, लिख लीजिए ल्यूमेन जो होंगे नैरो होंगे, ल्यूमेन नैरो होंगे, है ना, ठीक होंगे, इसे ठीक होंगे, ये वाला देखिए ये काफी जगह चेक रहे हैं तो ठीक है, ल्यूमेन हमारा नैरो है और ये ठीक है, जबकि इसमें क्या होगा, ल्यूमेन हमारा क्या होगा, ल्यूमेन ब्रॉड होंगे और थिन होंगे। देखिए आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा ल्यूमेन है, देख पा रहे हैं ना इतना बड़ा ल्यूमेन है, अब ये काफी पतली है, देखिए यहाँ पे इसमें प्रेशर हाई होंगे, ब्लड फ्लो प्रेशर क्या होंगे इसमें हाई होंगे, जबकि आप इसमें देखेंगे ब्लड फ्लो प्रेशर स्लो होंगे, लो होंगे, ब्लड फ्लो प्रेशर क्या होंगे, स्लो होंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ पे नोट किया हूँ, आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, देखिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ओके देखिए क्या लिखा दिया मैं कि ब्लड वेसल्स जो होते हैं इट इज अ सिस्टम या ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू होल बॉडी कैरी द ब्लड ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल सही है, ब्लड वेसल्स एक्टिव होता है जो हमारा होल बॉडी को से कनेक्टेड रहता है जो ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट बताया कि आर्टरी और वेन में क्या अंतर है, आपने देखा कि आर्टरी जो है कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जबकि वेन्स कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्लियर है, आर्टरी जो है कैरी करता है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट जबकि हमारा वेन्स जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट करता है, मतलब हमारा क्या होगा डिफरेंट सारे बॉडी पार्ट से हमारा हार्ट को लाएगा, कौन वेन्स, जबकि हार्ट क्या करेगा हार्ट से हमारा डिफरेंट बॉडी पार्ट को ले जाएगा, ओके। आर्टरी में वाल्व्स आर एब्सेंट, वाल्व्स इसमें नहीं होते हैं जबकि आप उसमें देखेंगे वेन्स में तो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आर्टरी जो होते हैं डीप सीटेड होते हैं जो दिखते नहीं है, लेकिन वेन्स हमारा कंपैरेटिवली सुपरफिशियल होते हैं जो कि दिख जाते हैं, आप देख पा रहे हैं नॉर्मली देखने के बाद वेन ही दिख जाता है। ल्यूमेन इसमें जो होते हैं ल्यूमेन नैरो होते हैं, थिक होते हैं, आप देखिए ल्यूमेन काफी स्मॉल है नैरो है और इसका जो चारों तरफ का जो थिक है, जबकि वेन्स में देख रहे हैं ल्यूमेन ब्रॉड है और थिन है। आर्टरी में ब्लड का फ्लो जो होता है हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, जबकि वेन्स में ब्लड फ्लो प्रेशर स्लो होता है, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, तो इतना नोट कीजिए, फिर अपन लोग आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, कुछ इसके बारे में बात करेंगे, नोट कीजिए यहाँ पे।